दोस्तों ये है वो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने कुछ महीने पहले लॉन्च किया था कि ऐसा बोर्ड एग्जाम का पेपर आपसे लिया जाएगा। ये है वो प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई ने हाल ही में लॉन्च किया है आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके अंदर है वो पेपर जो सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम में लेने वाली है। इसको यहाँ पे रख दिया, दंगे कराएंगे क्या आप? तो जब से ये प्रैक्टिस पेपर आया है आप लोगों ने देखा है आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, आप लोगों के तोते उड़ गए हैं। तोते उड़ गए क्योंकि आपको लग रहा है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर प्रैक्टिस पेपर इतना खतरनाक दे रही है सीबीएसई तो बोर्ड एग्जाम में क्या ही करके मानेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, दिखने में हालांकि है सैंपल पेपर, अगर मैं इसके पेजेस की बात करूं तो डबल पेजेस में है, मतलब क्वेश्चन लंबे लंबे हैं। अब क्या वाकई में ये प्रैक्टिस पेपर हार्ड है सैंपल पेपर से? वाकई में इसके क्वेश्चन मुश्किल हैं? वाकई में लंबे हैं? क्या दोनों के अंदर चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि सैंपल पेपर वर्सेस प्रैक्टिस पेपर, क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इनके लेवल के अंदर फर्क है, क्या क्या चीजें मैंने ऑब्जर्व करी हैं जो आपके बहुत काम की हैं। बताने वाला हूं सब कुछ, इस वीडियो को एंड तक देखना। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की सेक्शन ए से। यह है आपका सैंपल पेपर, यह है आपका प्रैक्टिस पेपर। दोनों के ही सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चंस आएंगे। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से हैं आप और मैं मिलकर पहले ये देख लेते हैं। तो आइए फटाफट से चलते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस की तरफ के कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। तो ये आ गए मेरे पास सवाल, ये है प्रैक्टिस पेपर और ये है आपके सैंपल पेपर्स। 20 के 20 सवाल दोनों के अंदर से कौन कौन से चैप्टर से लिए गए हैं ये मैंने लिख दिया। अब आप और मैं काम करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम कैंसिल आउट करेंगे, काटापीटी करेंगे, मतलब जो चैप्टर इधर भी है जो चैप्टर इधर भी है इनको कैंसिल आउट करके हम देखेंगे क्या कुछ अलग है या फिर सेम है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन सेम चैप्टर से लिए गए हैं उनको आपस में मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो जो भी कॉमन चैप्टर थे, मतलब जो सैंपल पेपर में भी है जो प्रैक्टिस पेपर में भी है, वो मैंने सब कैंसिल आउट कर दिया, मतलब अभी तक कुछ भी चेंज नहीं है। और आप देखेंगे ऑलमोस्ट चैप्टर्स या क्वेश्चन जो है आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुके हैं, कुछ बच गए। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो में छोड़ना, ध्यान से देखो, एक बात आपको बताने जा रहा हूं, नोट कर लेना। दोनों ही चीजों में सैंपल पेपर हो या प्रैक्टिस पेपर हो, क्या चीज कॉमन है, एक चीज मैंने ये नोटिस करी है कि इनके जो ये असर्शन रीजनिंग वाले सवाल हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 होगा असर्शन एंड रीजन वाला, वो दोनों ही में सेम चैप्टर से लिया गया है। मतलब सैंपल पेपर महीनों पहले लॉन्च हुआ था उसके अंदर भी एक असर्शन एंड रीजन रियल नंबर चैप्टर में से है और एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है। और अभी जो ये प्रैक्टिस पेपर लॉन्च हुआ खतरनाक वाला जो आपको लग रहा है, उसमें भी 19वां क्वेश्चन रियल नंबर से ही लिया गया है असर्शन रीजन वाला और 20वां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही लिया गया है। और यही सेम बात जो है आपको जो आपका ये बेसिक वाला सैंपल पेपर है, ये रहा मेरे पास, मैं दिखा दूं आपको, बेसिक वाला सैंपल पेपर अगर आप लेंगे इसके अंदर भी यही चीज हो रही है कि आपके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां और 20वां वो कौन सा है, वो आपका सेम चैप्टर रियल नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। इससे हमने क्या बात सीखी, हमने ये बात सीखी कि 99% चांसेस हैं क्या कि आपका असर्शन एंड रीजन वाले जो कि दो क्वेश्चन है 19वां और 20वां ये रियल नंबर चैप्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से ही आएंगे। जी हाँ, 99% ये चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए असर्शन एंड रीजन का तैयार करके चलो, रियल नंबर में से होगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से होगा, एक बात हमने ये सीख ली। तो अगर मैं आपके प्रैक्टिस पेपर की बात करूं एज अ होल पूरे की, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा हार्ड दिखाया गया है, लंबे कर दिए गए हैं, बट वो हार्ड है नहीं, मुश्किल है नहीं। अब यही सवाल देख लो, यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई हैं और आपसे कहा गया कि अगर इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब अनंत हल हैं तो इसमें ये जो एम और एन है इसकी वैल्यू बतानी है। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 बराबर होते हैं, तो आप यहां पर इनको बराबर करने लगेंगे, यहां पे 6 दूनी 12, यहां 4 तीन 12, तो यहां तो डबल है, यहां 3 गुना है, बराबर तो नहीं हो रहा, कैसे करेंगे, घूम जाएंगे, नहीं, थोड़ा सा सोच लो बस कि यहां पर क्या करा। ये देखो x पहले लिख दिया है, y बाद में लिख दिया है, मतलब y और x अपनी जगह पर नहीं है। तो सिंपल छोटा सा एक काम आपको ये करना है कि इसको पहले लिख देना है, इसको यहां ले आना है, फिर x y बराबर आ जाएंगे, तो यहां 6 दूनी 12 है, यहां 4 दूनी 8 होगा और यहां पे 12 आएगा ये वाला, तो 6 12 तो 6 और 8, इसका आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। अब क्या ये मुश्किल था, कुछ नहीं, लेकिन देखने में आपको लग रहा होगा इतना बड़ा सवाल एक नंबर में, तो सिर्फ आपको घुमाया जा रहा है, सवाल लेंदी है बट मुश्किल नहीं है। अब इस प्रैक्टिस पेपर से एक बात मैंने और ऑब्जर्व करी, वो ये है कि सीबीएसई सॉल्यूशन नहीं चाह रहा, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी चेक करना चाह रहा है, इसीलिए सिर्फ सॉल्यूशन ना मांग के थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 एक नंबर का सवाल है, इतना बड़ा सवाल। अब यहाँ पर वो डायरेक्ट ही आपसे पूछ सकता था कि बताओ इसका ये आंसर है,
ठीक है, क्या निकालो, इस तरह से कुछ भी डायरेक्ट। बट यहां पर वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बताओ क्या सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, क्या सिर्फ दूसरा सही है, क्या दोनों में से एक सही है, या फिर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये बात है कि सिर्फ पहला ही सही है, दूसरा ही सही है, दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है, ये बात आप जब ही बता पाओगे जब आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट कर पाओगे, समझ पाओगे, सोच पाओगे सवाल को हर एक तरीके से, ये चीज आपकी चेक करी जा रही है। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो वर्ड प्रॉब्लम जो है वो एज यूजुअल है, जैसे कि आपकी बेसिक मैथ्स में होंगी, जैसे स्टैंडर्ड मैथ्स में होंगी, सेम प्रैक्टिस पेपर में भी वही चीजें हैं, यहां पर सेम आपका लेवल रहने वाला है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने बताया था कि ये आपको पढ़ना है, मैंने आपको बताया था कोस्ट वाले सवाल, कई सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, सुनो ध्यान से, कैसा सवाल आपको ना कोस्ट निकलवाई जाएगी कि कोई बर्तन या कोई चीज है उसके ऊपर पेंट करने की कोस्ट है, एक टेंट बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो कपड़ा लग रहा है उस कपड़े की कोस्ट बताओ कितनी आएगी। तो देखा आपने, वही सवाल वैसे यहां पर देख सकते हैं कि एक कोस्ट वाला सवाल भी दे रखा है, यहां पर आपको कोस्टिंग निकालनी है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ये इस चीज की तैयारी कर लेना कि कैसे कोस्टिंग निकाली जाती है, किस चीज के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, ये बातें भी ध्यान रखने की हैं। तो जो बातें मैंने बताई हैं वो सब तैयार करनी पड़ेंगी आपको। भाई ने बोला करने का तो करने का। आगे के सेक्शंस की अगर बात करूं तो सवाल लंबे हैं बेशक, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बता रखा है वो तरीका फॉलो करना उन सवालों में, क्या कि डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आओ, इधर उधर की बातें मत पढ़ो, मुद्दे की बात क्या है, सीधी बात। अब यहाँ पर ये इतना बड़ा सवाल है, इसके नीचे और भी सवाल है जो मैंने लिखा नहीं। देखिए मुद्दे की बात क्या है, ना मैं ये पढ़ू ना मैं पढ़ू, मैंने डायरेक्ट सवाल पढ़ा, सवाल लिखा हुआ भैया हाउ मच डिस्टेंस विल अ रे ट्रेवल इफ सेंड फ्रॉम द ग्रीन बॉल टू द नियरेस्ट पॉकेट, हरी बॉल को सबसे पास वाले पॉकेट में भेजने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। हरी बॉल का है जी, ये रहा तो जी के पॉइंट है हमारे पास 7 और इधर है हमारे पास 1, ये जी के आ गए। सबसे पास में कौन सा है, ये पॉकेट 4 है इसका, ठीक है ये वाला है। इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट देख लो यहां से, ये 9 पर है इसका पॉइंट, 1 यहां पर 3 है, बस कोऑर्डिनेट मिल गए, डायरेक्ट इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, आंसर लेकर आओ। जी हाँ, इतनी सी बात है, तो इसीलिए तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हर सवाल में हैं, सोचने का खेल है सारा, मुश्किल दिख रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन है नहीं, ठीक है। ये दिखने में इतना बड़ा राक्षस है लेकिन ये छोटा सा एक चूहा है अगर आप मेरी नज़र से इसको देखेंगे, और यही नज़र यही पावर मैं आपको देने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। मैं इसी प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन लेने वाला हूँ ट्रिक के साथ, ऐसा नहीं कि सवाल करा दिया लंबे से लंबे तरीके से, नहीं, आपको पता है कि डी एस सर के पास मिलती हैं शॉर्ट ट्रिक्स और आपको करने का बहुत आसान तरीका, इसीलिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियोस आए आपके लिए आपको पता चल जाए और एग्जाम से पहले आप इन वीडियोस से लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी बच्चों को भेज दीजिए जिनको भी लग रहा है कि भैया ये क्या भेज दिया CBSE ने, ये इतना बड़ा इतना भारी प्रैक्टिस पेपर। डरने की बात नहीं है, पूरे पेपर का हम धुआं उड़ा देंगे। ऑल राइट, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।